दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपने डायलॉग्स कैसे कर सकते हैं। तो भाई वीडियो में सिंपल स्टेप पे आपको ने फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने डायलॉग्स कर सकते हैं। तो भाई वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लेक्चर ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडवांस फ्यूचर, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना, तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस डायल मैसेंजर, तो आपको उस पर क्लिक करने होंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन एप्लीकेशन मिल जाते हैं जो भी आपको अपने फ़ोन में डेवलप करना है। जैसे कि आप अपने फ़ोन में अपने स्नैपचैट को डेवलप करना चाहते हैं तो इसे इंस्टॉल कर देंगे। तो अगर आपका जो है डेवलप स्नैपचैट हो चुका है, फेसबुक करना चाहते हैं तो यहाँ से फेसबुक भी कर सकते हैं। तो अगर बे करते हैं, बे करने के बाद यहाँ पर आपको चेक कराते हैं, तो जो हमने अपने एप्लीकेशन डेवलप करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते। तो गाइस देखिए, हमने अपने फ़ोन में अपने स्नैपचैट करा था, तो देखिए हमारा एक फेसबुक ये न्यू वाला और यहाँ पर आपको स्नैपचैट मिल जाता है डेवलप, और यह हमारा पुराना ही स्नैपचैट ये है। तो वह इस तरीके से हमारा एक पुराना फेसबुक ये न्यू वाला हमने जो डेवलप करा वो ये है। तो वह इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने डेवलप कर सकते हो, अपने एप्लीकेशनों को अपने अलग अलग आईडी से भी चला सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।